विहोवा बीटीपीओ के दफ्तर में क्लर्क निर्मल सिंह और पंचायत सेक्रेटरी राजेश दहिया के बीच हाथापाई। हाथापाई के दौरान दोनों घायलों को CHC पिहोवा में इलाज के लिए किया भर्ती। सेक्रेटरी की सैलरी देने की एब्ज में क्लर्क पर रिश्वत मांगने के लगाए आरोप। सेक्रेटरी ने लगाया क्लर्क और 50,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। राजेश कुमार दहिया जी, ये मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, बार बार बुलाता था, आज इसने मेरे पास 50,000 रुपये की डिमांड करी और ये मेरे पास पैसे भी है, ठीक है, लेकिन मेरे पास आज 35,000 थे। इसने फिर मेरे साथ लड़ाई करी दफ्तर में बुला के, जबकि दफ्तर मैंने इसको कल भी कहा था कि दफ्तर की छुट्टी नोला कोई बात ना तेरा, मैं काम कर देता हूँ। क्या नाम है इसका? निर्मल सिंह, अकाउंटेंट। तो आपके आपसे पैसे की डिमांड की? पैसे की डिमांड हर बार करता है जी, बल्कि एक साल तो इसने मेरा एजुकेशन अलाउंस भी रोक रखा। तो आप इसकी कोई शिकायत नहीं की? शिकायत बार बार वीडियो ने भी ये कहा, इसकी पे बिल लिया, स्टाफ ने सारे ने कहा पे बिल दे दे, बार बार कहा, बल्कि कंप्यूटर वाले ने भी कहा जी, कल भी मेरी बात हुई, कल मैं ऑफिस में आया नोला पे बिल उसका निकालना, लेकिन ये नोला भी जब तक मैं ऑर्डर नहीं करूँगा नहीं बनाएगा। जो आज छुट्टी थी गवर्नमेंट से, आज छुट्टी थी, इसी करके सर मैंने इसको बार बार कहा भी छुट्टी वाले दिन आप मेरे को कैसे बुला रहे, छुट्टी में नोला नहीं दे रहा, दफ्तर में काम करेंगे। और इसने बुला के मेरे दफ्तर में इसका उसके दराज में इसे निकालने, पता नहीं इसने क्या चीज़ मारी है। बस सर इनकी आप किस्म हुई है, पता नहीं कैसे हुई है जी इनकी, बोले चाले जी किस किस की हुई है जी? एक सेक्रेटरी था जी, एक अकाउंटेंट था जी, दो थे। क्या नाम है? हाँ जी सेक्रेटरी है राजेश, सही है मेरे को। और अकाउंटेंट का नाम क्या है? निर्मल सिंह। तो क्या पूरा मामला क्या था ये? पता नहीं सर मामला का नाम है, पता नहीं नाम मारा, देखिए किस ना किसका मारे जी। लोग पहले तैयार थे छोटी गंडासी से, मेरे पे एकदम जानलेवा हमला करके मेरे को अंदर बंद करके खूब कुटे जो ना, और मेरी गंडासी मारी छोटी। आ तो ऑफिस की मोबाइल भी उसके ले गए। आ तो ऑफिस की छुट्टी थी, लेकिन मैं प्रोसेसर कल गया था दफ्तर में, वहाँ जरूरी कागजात रखने की थी। तो किस बात को लेकर आपका ये मामला हुआ? मेरे कोई पता नहीं किस बात।